ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन। ये ट्रेन बिहार के मुजफ्फरपुर जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरी झंडी दी जा रही है और ये ट्रेन धीरे धीरे अब प्लेटफार्म छोड़ती हुई। मैं आपको बता दूं कि पूरे देश भर में श्रमिकों को निकालने के लिए ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की गई और उसके बाद ये ट्रेन निकाली गई। 24 डिब्बों की ये ट्रेन है और इसमें 1200 लोग सवार हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत श्रमिकों को, साथ ही साथ मजदूरों को, छात्रों को, जो लोग अपने अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। यहाँ पर नई दिल्ली से जिस तरीके से ये ट्रेन निकल रही है, इसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से अब तक तकरीबन 222 ट्रेनें निकल चुकी हैं और अलग अलग जगहों पर हम कह सकते हैं 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने गृह राज्य पहुंचाया है। तो ये एक राहत भरी खबर है, क्योंकि जब 1 मई से, जब से ये ट्रेन शुरू की गई, तब से हम कह सकते हैं तमाम लोगों के लिए ये उम्मीद की किरण है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों की तादाद में मजदूर फंसे हुए हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं और उनके लिए कोई दूसरी सुविधा नहीं है। लंबी दूरी की ये ट्रेनें हैं और इसको गृह मंत्रालय के निर्देश पर चलाया जा रहा है। और इसमें ख़ास बात यह है कि तमाम तरीके की चीज़ें, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेन के अंदर भी उसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि ट्रेन में 1200 लोग ही बिठाए जा रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी लोग इस ट्रेन पर सवार हैं, सबके लिए ज़रूरी है कि वो मास्क लगाएं और जब वो स्टेशन पर पहुंचते हैं उससे पहले उनका हेल्थ चेकअप किया जाता है। और साथ ही साथ इन ट्रेनों की अगर हम बात करें तो 2 राज्यों की आपसी सहमति से ये ट्रेन चलाई जाती हैं। ये ट्रेन बिहार जा रही है, लिहाजा बिहार सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में आपस में जो बातचीत हुई उसके आधार पर ये ट्रेन चलाई गई। रेलवे ने जो गाइडलाइन तैयार की है उसके हिसाब से 500 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी के लिए ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं। और ये ट्रेनें इस तरीके की हैं कि इसमें एक जगह से जाकर ये ट्रेन दूसरी जगह ही रुकती है, यानी पॉइंट टू पॉइंट ट्रेनें हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीच में कहीं रुक कर उतर जाएँ, ये संभव नहीं है, ना ही इसमें बीच में कोई सवारी चढ़ सकती है। यानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से छूटने के बाद ये ट्रेन बिहार में अपने स्टेशन पर ही रुकेगी। बीच की अगर हम बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं खाने का भी इंतज़ाम किया गया है, साथ ही साथ जो लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं उनको पानी की बोतल भी दी गई है। तो इस तरीके की व्यवस्था के साथ इस ट्रेन को रवाना किया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो रेलवे के कर्मचारी पूरी मशक्क़त के साथ लगे हुए हैं कि किसी तरीके से लोग सही सलामत अपने घर पहुँचें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ ट्रेन में सफ़र कर रहे लोगों में उत्साह है, तो वहीं रेलवे कर्मचारियों में भी उत्साह देखते ही बनता है। इससे पहले मैं बता दूं कि ट्रेन पर चढ़ाया कैसे जाता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्टेशन पर मार्किंग की हुई है। और जब ट्रेन छूटनी होती है उससे 2-3 घंटे पहले आना होता है। यहाँ पर जो नाम आते हैं वो जिस राज्य में जाना है उस राज्य से नाम आते हैं और इनको लिस्ट में जो नाम होते हैं उसी आधार पर इनको ट्रेन पर बिठाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग लाइन में लगकर एक एक करके ट्रेन में बैठने की तैयारी में हैं। और ये लोग जो सफ़र कर रहे हैं इनमें ज़्यादातर वो वर्ग है जो कहीं ना कहीं अपने गांव जाने के लिए छटपटा रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में ये मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। तो ऐसे तमाम लोग लॉकडाउन के चलते उनका काम ख़त्म हो गया है, लिहाजा उनमें कहीं ना कहीं ये डर भी बैठ गया है कि आगे काम मिले ना मिले। इस वजह से ये लोग अपने घर जाना चाहते हैं। एक लंबे समय के बाद इनको ये मौका मिला है। देखना होगा कि इनमें से कितने लोग वापस आते हैं। अगर हम वापस आने की बात करें तो एक ये बड़ी चिंता है शहरी क्षेत्रों में कि अगर यहाँ से सारे मजदूर अपने अपने गृह राज्य चले जाते हैं फिर क्या होगा। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी निश्चित तौर पर कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में सारे लोग अपने घर ही जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर दिल्ली जैसी जगह की बात करें
तो कमाई का कोई साधन नहीं है, लिहाजा ये मज़दूर कहीं ना कहीं परेशान हैं और अपने गांव और घर जाकर इनको एक बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन जा रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो हाथ हिलाकर उनको विदा कर रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उत्साह के साथ आप जाइए, अपने घर पहुँचिए। और एक लंबी, हम कह सकते हैं इंतज़ार के बाद, एक लंबे इंतज़ार के बाद ये लोग ट्रेन में सफ़र कर पा रहे हैं। और अगर हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो इस तरीके की और भी ट्रेनें यहाँ चलाई जाएंगी, इस बात की उम्मीद है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से मांग आ रही है, डिमांड आ रही है, तो कहीं ना कहीं राज्यों से जो मांग आएगी उसके आधार पर ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। और यहाँ पर हम आपको बता दें, बिहार से जो मांग की गई उसके आधार पर ये ट्रेन चलाई गई है। और अगर हम पहले की बात करें तो जो पहली ट्रेन चलाई गई थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, वो छतरपुर के लिए थी, मध्य प्रदेश के लिए थी, मध्य प्रदेश सरकार ने उसका बंदोबस्त किया था और रेलवे इस ट्रेन को सही समय पर पहुँचाए और बीच में कहीं रुकना ना पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा गया। और इसमें से किसी भी आदमी को बीच में उतरने नहीं दिया जाएगा, जब ट्रेन में लाया जाता है उससे पहले हम कह सकते हैं यहाँ पर दिल्ली सरकार ने इनके लिए इंतज़ाम किया बसों का, और साथ ही साथ इनकी जो हेल्थ चेकअप है उसका भी इंतज़ाम किया गया, क्योंकि इस बात की आशंका लगातार बनी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कोरोना संक्रमण ग्रसित हो वो और लोगों में कोरोना संक्रमण फैला दे, तो इस बात की आशंका रहती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए एक एक व्यक्ति की जाँच की जाती है, जब उसको स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल पाया जाता है उसके बाद ही ट्रेन में बैठने के लिए गो अहेड कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें रेलवे स्टेशन पर, तो यहाँ पर भी उसको चेक किया जाता है कि कहीं उसको कोई बीमारी तो नहीं, परेशानी तो नहीं, कहीं बुखार तो नहीं है, या ऐसा कोई लक्षण जो कोरोना वायरस से संबंधित हो, इस पर नज़र रखी जाती है। तो यहाँ समझ सकते हैं कि रेलवे के कर्मचारी, यात्री तथा स्थानीय पुलिस के सहयोग से ये लोग अपने गृह राज्य जा रहे हैं, और इनकी खुशी देखते ही बनती है, कहीं ना कहीं इनको भी संतोष हो रहा है कि अपने घर जा रहे हैं। और इस तरीके की और भी ट्रेनें चलेंगी, अगर हम देश भर की बात करें तो अब तक 222 ट्रेनें चल चुकी हैं, तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। तो इस तरीके की आने वाले दिनों में और भी ट्रेनों की संभावना लगातार बनी हुई है।